आज हम लोग जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो है पाइथन का पांडास। और पाइथन पांडास क्या होता है, कैसे काम करता है, ये हम लोगों का टॉपिक होगा। इसके लिए हम लोग गूगल कोलैब का इस्तेमाल कर रहे हैं, और गूगल कोलैब एक फ्री टूल है। अब यहाँ से हमने गूगल कोलैब को ओपन किया, जैसे हमने सबसे पहले गूगल कोलैब यहाँ पे सर्च किया तो हमारा गूगल कोलैब आ जाएगा, ठीक है। और गूगल कोलैब को ओपन करने के बाद आपको यहाँ पे दिखेगा बहुत सारी नोटबुक्स, मेरे केस में यहाँ पे दिख रही हैं, आपके केस में ऐसी नोटबुक्स नहीं दिखेंगी अगर आप फर्स्ट टाइम आए हैं। यहाँ से आप न्यू नोटबुक पे क्लिक कर लेंगे, न्यू नोटबुक पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे कनेक्ट कर लीजिए। कनेक्ट कर लेने से आपकी नोटबुक गूगल कोलैब से कनेक्ट हो जाएगी और फिर आप काम कर पाएंगे उस पे। और यहाँ पे अपना टाइटल आप ऐड कर दीजिए और इसका नाम हो जाएगा पाइथन पांडास। ओके, पाइथन पांडास ये सिंपल सा टॉपिक है हमारा, और इस टॉपिक के थ्रू हम लोग गूगल गूगल कोलैब के थ्रू हम लोग इस टॉपिक को सीख रहे हैं। यहाँ पे ये एक एक लाइन होती है, ओके। जैसे ये एक लाइन है तो हम या तो कोड की एक लाइन ऐड कर सकते हैं या फिर टेक्स्ट की एक लाइन ऐड कर सकते हैं। इसे गूगल कोलैब नोटबुक बोला जाता है, दिस इज कॉल्ड गूगल कोलैब नोटबुक। मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, सो गूगल कोलैब नोटबुक, ठीक है। ये गूगल कोलैब नोटबुक है। नोटबुक का मतलब है ऑब्वियसली कि आप कुछ नोट करेंगे यहाँ पे। यहाँ पे हम नोट भी कर सकते हैं और एग्जीक्यूट भी कर सकते हैं। गूगल कोलैब नोटबुक को रन करने के बाद हमने यहाँ पे सबसे पहले लिखा कि व्हाट इज पाइथन पांडास, ठीक है। तो एक सेकेंड और, तो सबसे पहले हम लिखेंगे पांडास इज अ पाइथन लाइब्रेरी। मेरी आवाज सही से आ रही है? यस यस। सर। पांडास एक पाइथन की लाइब्रेरी है। पांडास इज यूज्ड टू एनालाइज डेटा। ओके, सिंपल टर्म्स में बात करें तो पांडास इज यूज टू एनालाइज डेटा। इट इज यूज फॉर डेटा प्रोसेसिंग, डेटा की प्रोसेसिंग वगैरह करने के लिए पांडास का यूज होता है। एक कोड की लाइन यहाँ पे और ऐड करते हैं। अब हम लोग सबसे पहले बिल्कुल बेसिक से शुरू करेंगे, ठीक है। पांडास को अपने कंप्यूटर में या पांडास को अपने प्रोजेक्ट में लाने के लिए सबसे पहले आपको लिखना पड़ेगा इंपोर्ट पांडास SPD। ओके, जो हमारी लाइब्रेरी है उसका नाम है पांडास या पैंडास, जो भी बोलने, और इसे हमने इंपोर्ट पांडास एस लिखा एंड देन लिखा PD। तो इस तरह से ये लाइब्रेरी हमारे कंप्यूटर में या हमारे इस नोटबुक में इंपोर्ट हो गई, और अब हम लोग इस लाइब्रेरी को यूज कर सकते हैं, ठीक है। पांडास का यूज जो होता है वो मेनली डेटा सेट से वर्क करने के लिए होता है। इट इज यूज्ड फॉर वर्किंग विद डेटा सेट्स। आप लोगों को बताया गया था डेटा सेट्स अलग अलग फॉर्मेट में होते हैं, ठीक है। डेटा सेट्स हमारे CSV फॉर्मेट में,
एसक्यूएल फॉर्मेट में, एक्सेल फॉर्मेट में, या फिर ये डेटा सेट हम लोगों का किसी भी और फॉर्मेट जैसे जेसन फॉर्मेट में, तरह तरह के फॉर्मेट्स में ये डेटा सेट्स होते हैं। कभी कभी इवन एचटीएमएल पेज पे भी ये डेटा सेट हमें मिलता। सो इट इज़ यूज फॉर वर्किंग विद डेटा सेट। सो पांडास का यूज करके वी कैन रीड दीज डेटा सेट्स, ओके, रीड दीज टाइप ऑफ डेटा सेट्स। तो ये आपको याद रखना। और पांडास में इट हैज फंक्शंस फॉर एनालाइजिंग डेटा, राइट, जैसा हमने डिस्कस किया, एनालाइजिंग, क्लीनिंग, एक्सप्लोरेटरी एनालिसिस, एंड मैनिपुलेटिंग डेटा। इतनी चीज क्लियर है? इज इट क्लियर? यस सर, ओके। ये बहुत बेसिक सी बात है, ठीक है। अब अगला सवाल उठता है कि बहुत बहुत सारे तरीके अवेलेबल है, पांडास ही क्यों? पांडास हमें अलाउ करता है बिग डेटा को एनालाइज करने में, मेक कंक्लूजन्स बेस्ड ऑन स्टैटिस्टिकल थ्योरीज, और पांडास काफ़ी बड़े मैसी डेटा सेट्स को क्लीन कर सकता है और उसे रीडेबल और रेलिवेंट बना सकता है, और रेलिवेंट डेटा डेटा साइंस में बहुत कुछ कर सकता है। जैसे हमें किसी डेटा में मैक्सिमम जानना है, किसी में मिनिमम जानना है, एवरेज वैल्यू जाननी है, हमें जानना है कि दो कॉलम्स के बीच में कोरिलेशन क्या है, तो छोटी छोटी चीज़ें, कोरिलेशन, मीन, मैक्सिमम, मिनिमम, स्टैंडर्ड डेविएशन, ओके, वेरिएंस, इस टाइप की जो भी चीज़ें हमें जानने, आराम से पांडास बता सकता है। यहाँ तक क्लियर है? यस। अब अगला है कि पांडास को अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल कैसे करें। तो अगर आप पाइथन यूजुअल यूज कर रहे हैं तो आपको पिप का यूज करना है। आप लिखे पिप इंस्टॉल पांडास, ये आपको लिखना है अपने कमांड प्रॉम्प्ट में, बट हम लोग उस तरह से नहीं जा रहे हैं। हम लोग यहाँ पे सिंपली गूगल कोलैब का यूज कर रहे हैं। एडिशनली आप एनाकोंडा नेविगेटर में, अगर आपके पास एनाकोंडा नेविगेटर है, तो उसमें आप जुपिटर नोटबुक ओपन कर लीजिए, और जुपिटर नोटबुक में भी आप सीधे ये लाइन लिखेंगे तो वहाँ पे पैंडास पहले से होता है। ओके, सो ये पार्ट बहुत सिंपल है कि हम लोग क्योंकि गूगल कोलैब का इस्तेमाल कर रहे हैं, सो वी डोंट हैव टू इंस्टॉल इट, बट अगर आप किसी और कंप्यूटर में काम करना चाहते हैं तो आपको कमांड प्रॉम्प्ट में जाके, जैसे यहाँ पे आप सीएमडी में जाएंगे, और सीएमडी में जाके आपको लिखना है पिप इंस्टॉल पांडास, और पांडास इंस्टॉल होने लगेगा। देन आप इसे आइडल में या जो भी आईडी आप पाइथन का यूज कर रहे हैं यूज कर सकते हैं, बट हम यहाँ पे नहीं करने वाले, हम गूगल कोलैब का यूज करने वाले। इज इट क्लियर? यस सर। नाउ जब हमने इंपोर्ट कर लिया पांडास को, तो एक एग्जांपल देखते हैं कि पांडास से हम क्या कर सकते हैं। तो हम लोग एग्जाम्पल यूज ऑफ पांडास, एक एग्जाम्पल यूज करते हैं यहाँ पे। तो जैसे मैंने यहाँ पे कहा कि मेरे पास एक इन्वेंटरी है, इन्वेंटरी ऑफ प्रोडक्ट्स है मेरे पास, तो यहाँ पे मैंने एक डिक्शनरी बनाई, ठीक है। इस डिक्शनरी में क्या होता है आपको पता है, कीज और वैल्यूज होती है, राइट? इज इट क्लियर? यस सो यस। तो हमने यहाँ पे, और अगर आपको डिक्शनरी के बारे में जानना है, तो जो पहले हम लोगों ने डिस्कस किया वो आप वीडियोस के थ्रू या आर्टिकल्स के थ्रू रिवाइज कर सकते हैं। तो इन्वेंट्री यहाँ पे हमने लिखी, जैसे हमने यहाँ पे लिखा प्रोडक्ट्स,
और प्रोडक्ट्स में हमने यहाँ पे लिखा कुछ दो तीन प्रोडक्ट के नाम लिखते हैं, ठीक है। जैसे हमने लिखा पेन, पेंसिल, एंड लेट्स से इरेजर, ऐसा हमने तीन प्रोडक्ट लिखे। तो ये मेरी पहली की और पहली वैल्यू है, मेरी पहली की प्रोडक्ट्स है और इसकी वैल्यू एक लिस्ट है। माय सेकंड की इज गोइंग टू बी QQY, ओके। और यहां से मैंने फिर एक लिस्ट बनाई, 4, 8 और 850। अब अगर मैं आपसे पूछूं हमारे पास पेंसिल की कितनी क्वांटिटी है, तो आपका क्या जवाब होगा? सफो फिर से सोचो। देखो लिस्ट क्या होती है, ऑर्डर्ड होती है, राइट। यस। पेन का ऑर्डर क्या है, पेन की इंडेक्सिंग कितनी है, 0, फोर, तो पेन की 4 हो गई। पेंसिल की 8, 1, तो 8, इरेजर ये, ठीक है। इसीलिए लिस्ट यूज की जाती है ताकि एक ऑर्डर्ड कलेक्शन बने। अब यहाँ पे हमने लिखा डेटा इज इक्वल टू, और मैंने अभी पांडास को किस नाम से इंपोर्ट किया है, पीडी, ठीक है। तो ये हमने इंपोर्ट पांडास एस पीडी, एक एलियस है। हम पांडास को पांडास भी बुला सकते हैं, पीडी भी बुला सकते हैं, एक सिंपल सी बात, ठीक है। तो हमने जैसे यहाँ पे लिखा पीडी डॉट, और यहाँ पे डेटा फ्रेम लिखा, ओके। तो डेटा फ्रेम, और यहाँ पे लिख दिया इन्वेंटरी, यहाँ से देखिएगा, ठीक है। और अब मैंने यहाँ से कहा कि प्रिंट करिए डेटा को, तो आप देख रहे हैं yes, एक टैबुलर स्ट्रक्चर जैसा बन गया, ठीक है। और इस टैबुलर स्ट्रक्चर में अपने आप ये देखिए एक टेबल सी बन के आ गई, और पेन, पेंसिल, इरेजर, प्रोडक्ट्स और क्वांटिटी नाम के दो कॉलम्स बन गए। तो जो डिक्शनरी की कीज हैं वो कॉलम बन गए, और यहाँ पे आप देख सकते हैं, ठीक है। सो इसी तरह से अगर आपकी कोई सीएसवी फाइल है तो वो सीएसवी फाइल के जो कॉलम्स हैं वो बन जाएंगे आपके यहाँ पे डेटा फ्रेम के कॉलम्स बन जाएंगे, और उस सीएसवी फाइल की जो वैल्यूज होंगी वो आपकी वैल्यू बन जाएगी। तो ये लोग ये सब चीजें हम लोग आगे अभी पढ़ेंगे यार अच्छे से। तो ये एक एग्जांपल हमने देखा कि ये ऐसा लिखा। अब हम लोग एक और यहाँ पे एक और एग्जांपल लेते हैं, छोटा सा एग्जांपल। मान लीजिए यहाँ पे हमने लिखा मार्क्स, कुछ स्टूडेंट्स के मार्क्स आए हुए हैं, तो यहाँ पे हमने लिखा मार्क्स, जैसे मैंने लिखा 78, 89, 67, 78, 89, 67, 56 और 44, ऐसा लिखा। और फिर मैंने यहाँ पे लिखा स्टूडेंट्स इज इक्वल, अब की बार मैंने दो अलग अलग लिस्ट ही बना ली, जस्ट एक एग्जांपल के लिए बता। तो स्टूडेंट का नाम है ए बी, बी सी, सी डी, डी ई, सॉरी ई एफ, ओके। ये हमारे कुछ स्टूडेंट्स हो। अब यहाँ पे मैंने क्या लिखा था, देखिए पी डी डॉट डेटा फ्रेम, और फिर डेटा जिस वेरिएबल में है उस वेरिएबल को हमने यहाँ पे पास कर दिया था। अब की बार मैं लिख रहा हूँ एस इज इक्वल टू पी डी डॉट सीरीज, ओके। और पी डी डॉट सीरीज में मैं
लिख देता हूँ मार्क्स को पहले, और फिर मैं लिख देता हूँ इंडेक्स इज इक्वल टू स्टूडेंट्स। ओके, यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है। सो मैंने एक सीरीज बनाई जिसमें मार्क्स मैंने कहा कि ये डेटा होगा, जो पहला पैरामीटर होगा वो डेटा होगा, और जो दूसरा पैरामीटर है वो यहाँ पे इंडेक्स। अब इसके बाद अगर मैंने एस को रन किया, जस्ट समझिएगा बात को, तो ये देखिए क्या हुआ, ये इंडेक्स बन गया, स्टूडेंट का नाम एक इंडेक्स बन गया, और हर एक चीज के आगे लिख के आ गया उसके कितने मार्क्स हैं। समझ में बात? तो इस तरह से अगर कोई आपसे पूछे कि डीई का क्या, डीई स्टूडेंट के कितने मार्क्स आए, तो आपका आंसर होगा 56, क्योंकि उसके सामने। तो इसीलिए हम यहाँ पे लिस्ट का यूज कर रहे हैं, बिकॉज लिस्ट एक ऑर्डर्ड चीज है। तो जिस ऑर्डर में मार्क्स हैं उसी ऑर्डर में स्टूडेंट के इंडेक्स है, इस यस वजह से हम लोगों ने ये बनाया। तो ये जो दो हम लोगों ने यहाँ पे देखे, ठीक है, सो ये अंडास के अंदर इस तरह के डेटा सेट्स या इस तरह के हम लोग डेटा या डेटा टाइप को बनाते हैं। डेटा फ्रेम एक टू डायमेंशनल डेटा होता है जिसका साइज म्यूटेबल होता है, और ये एक टैबुलर डेटा की तरह से दिखता है। सो डेटा फ्रेम क्या है? एक टू डायमेंशनल डेटा है। ओके, ये डेटा को 2D फॉर्म में रिप्रेजेंट करने का एक तरीका है। उसी तरह से सीरीज क्या होती है? सीरीज वन डायमेंशनल होती है, वन डायमेंशनल एरे होता है जिसमें आपका इंडेक्स होता है। ठीक है, आप यहाँ पे पूरी यहाँ पे डेफिनेशन पढ़ सकते हैं, इट्स वन डायमेंशनल एनडी एरे विद एक्सिस लेबल्स इंक्लूडिंग टाइम सीरीज। तो हम लोग अभी धीरे धीरे समझ जाएंगे ये क्या होता है। सो दिस वे यू विल अंडरस्टैंड कि पांडास में, जैसे देखिए हम लोगों ने पाइथन में क्या क्या डेटा टाइप्स पढ़े थे। हम लोगों ने डेटा टाइप्स पढ़े थे इंटीजर, यस ठीक सर, है, यस स्ट्रिंग फ्लोट बूलियन और बूलियन, फिर सीक्वेंस वाले डेटा टाइप्स आए, राइट, जहाँ पे कलेक्शन ऑफ वैल्यूज थी, जैसे लिस्ट टपल टपल है ना, फिर सेट सेट्स आए, फिर डिक्शनरी आई। अब यहाँ पे जब हम पांडास में आ गए तो हमारे पास आ गया है डेटा फ्रेम और सीरीज। ठीक है, यस इस सर डेटा फ्रेम में देखिए क्या है, एक तो हमारे पास कॉलम्स होते हैं, ओके, और साथ में हर एक रो का एक इंडेक्स भी होता है, राइट। जैसे एक एक्सेल फाइल खोलिए तो वो कैसा होता है, एक एक्सेल फाइल को अगर आप ओपन करते हैं तो ये देखिए यहाँ पे एक इंडेक्स होता है ना, हर रो का एक इंडेक्स होता है, जिससे हमें पता लगता है कि जैसे ये इस सेल की हमें वैल्यू पता लगती है, राइट, कि ये यस सेल B3 है तो इस तरह के टैबुलर स्ट्रक्चर में हमेशा ये पता लगता है। तो ये एक जरूरी चीज है कि हम लोग इन चीजों को समझें। ये पहला हम लोग का केस है। नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड एंड आगे हम लोग और भी चीजें समझेंगे। सपोज कीजिए, और ये वीडियो आपके रेफरेंस के लिए रहेगा, इसको आप चला के देखिए ताकि आप सीख सकें बार बार। हाँ, यस सर अब यहाँ पे हम लोगों ने जैसे लिखा प्रिंट PD डॉट, दो बार अंडर स्कोर लगाया, और यहाँ पे लिखा वर्जन, और फिर दो बार अंडर स्कोर लगाया। ओके, तो इस तरह से आपको पता चल जाएगा कि कौन से पांडास के वर्जन पे हम काम कर रहे हैं। इज इट क्लियर? जैसे ये जो लाइब्रेरीज रिलीज होती हैं तो इन लाइब्रेरीज का एक वर्जन होता है। जैसे देखिए मैं दिखाता हूँ, यहाँ से मैंने आइडल को ढूंढा, तो आप देख रहे हैं कि इसमें पाइथन 3.10 लगा हुआ है, दिख रहा है, यस सर और आइडल को जब मैं यहाँ पे ओपन करूंगा तो आप देख सकते हैं 3.10.5 ये वर्जन है। आपके कंप्यूटर में ये अलग हो सकता है, ठीक
जिस समय आप उसको इंस्टॉल करते हैं वाला वर्जन आता है। ओके सो ये क्लियर है बात? अब हम लोगों का पहला टॉपिक है व्हाट इज अ सीरीज। ओके हम लोगों ने अभी खाली एक डिस्कस किया कुछ एग्जांपल्स, बट व्हाट इज अ सीरीज। तो अब पांडा सीरीज इज लाइक कॉलम इन अ टेबल। इट इज लाइक अ कॉलम इन अ टेबल, अभी आपने देखा। जैसा आपने जाना है सीरीज क्या है, वन डायमेंशनल है। तो सपोज कीजिए मेरे पास बहुत सारा डेटा है, बहुत सारे डेटा में कॉलम एक सीरीज होगा। अब देखिए जैसे मैं आपको यहाँ पे एक डेटा सेट दिखाता हूँ, गिटहब सीबॉन डेटा सेट। हम लोग इन डेटा सेट्स को काफ़ी पढ़ेंगे। तो यहाँ पे गिटहब सीबॉन डेटा सेट में बहुत सारे अच्छे अच्छे डेटा सेट्स दिए हुए हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हम लोग एक डेटा सेट देखते हैं अबाउट डायमंड्स। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये एक बड़ा डेटा सेट है। हम लोग और एक छोटा डेटा सेट देखते हैं, लाइक से फ्लाइट डेटा सेट, ये देख रहे हैं आप। सो ये फ्लाइट डेटा सेट में देखो क्या दिया हुआ है, ईयर दिया हुआ है, मंथ दिया हुआ है, और उस ईयर और उस मंथ में ट्रेवल करने वाले पैसेंजर्स का काउंट दिया हुआ है, राइट। यहाँ पे कितने रोज और कितने कॉलम्स हैं, थ्री रोज एंड थ्री कॉलम्स। फिर से देखिए, देखिए लिखा है 145 लाइंस। ओके यानी ये करीब करीब 144 रोज का डेटा है, कॉलम थ्री और थ्री कॉलम्स हैं, राइट। पहला कॉलम हेडर होता है। सो एक एक कॉलम यहाँ पे एक एक सीरीज जैसा है। ओके यस, इट इज क्लियर है? यस सर। और अगर हम तीन सीरीज को मिला दे तो एक डेटा फ्रेम बन जाता है। ये चीज समझ में आ रही? दो सीरीज आपस में मिला दें, तीन सीरीज मिला दें, 10 सीरीज मिला दें, तो वो डेटा फ्रेम बन जाता है। और ये डेटा रॉ सीएसवी फॉर्म में देखिए कैसा दिखाई देता है, ऐसा देख सकते हैं आप, ये सीएसवी। ओके सो यहाँ से आपको आइडिया लगेगा बहुत सारी चीजों का। तो यही यहाँ पे बताया गया है कि व्हाट इज अ सीरीज, इट इज लाइक अ कॉलम इन अ टेबल और इट इज वन डायमेंशनल। ठीक है, इट इज वन डायमेंशनल एरे एंड कैन होल्ड वैल्यूज ऑफ एनी डेटा टाइप। ये चीज क्लियर है? किसी भी टाइप के डेटा टाइप को ये होल्ड कर सकती है। एक सिंपल सा एग्जांपल हम लोगों ने देखा ऊपर, ठीक है, जैसे मैंने लिखा मार्क्स इज इक्वल टू समथिंग। अब यहां पे मैं लिख दूं S इज इक्वल टू पी डी डॉट सीरीज मार्क्स, और फिर मैं कहूँ S को प्रिंट करो, तो इतने से भी सीरीज बन जाएगी। और जब ये सीरीज बनेगी तो आप देख सकते हैं सीरीज विद डिफॉल्ट इंडेक्स बनेगी। ओके दिस इज क्लियर है? yes. इसमें इंडेक्स क्या बन गया, देखिए 0, 1, 2, 3, 4, 5। ओके जितने एलिमेंट्स हमारे मार्क्स में थे उतने एलिमेंट्स की सीरीज बन गई और हर एलिमेंट को एक इंडेक्स मिल गया। ठीक है, अब इसे हम लोग लेबल्स या इंडेक्स बोलते हैं। सो अगर कोई भी इंडेक्स या लेबल स्पेसिफाई नहीं किया गया है तो जो वैल्यू है वो उनके इंडेक्स नंबर के द्वारा लेबल हो जाएंगी। ठीक है, जो फर्स्ट वैल्यू होगी उसका इंडेक्स जीरो होगा, सेकेंड वैल्यू का वन और आगे। ये हम लोगों ने लिस्ट में पढ़ा हुआ है, राइट। अब यहाँ पे हाउ टू गेट वैल्यू, ओके जैसे हाउ टू गेट वैल्यू ऑफ अ सीरीज, तो सीरीज की वैल्यू पाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जैसे हमने लिखा मार्क्स, सॉरी एस, क्योंकि हमें सीरीज का नाम है एस, और यहाँ पे हम लिख दें टू। तो अगर हम S2 लिखेंगे तो क्या आएगा,
यहाँ साफ साफ दिख रहा है 67, राइट। इतनी चीज क्लियर है? बताइए, यस सर। अगर मैंने लिखा S4, राइट, तो आ जाएगा, क्लियर है? तो इस तरह से आप सीरीज के अंदर से कोई एलिमेंट पा सकते हैं। सर एरे का क्या मतलब होता है सर? एरे का मतलब होता है कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स, राइट। जैसे लिस्ट क्या है? कलेक्शन है। एरे का मतलब है कि जैसे एक सिंगल वैल्यू है तो वो सिंगल है, पर कई सारी वैल्यूज एक साथ कलेक्टेड हो तो वो एरे है, एरे ऑफ वैल्यूज, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग फिर इसी चीज को कॉपी करते हैं और यहाँ पे लिखते हैं दिस, और अब की बार हम एक और यहाँ पे पैरामीटर लगा रहे जिसका नाम है इंडेक्स, ठीक है। तो एक इंडेक्स नाम का आर्ग्यूमेंट हम यहाँ पे लिख रहे हैं, और इस इंडेक्स नाम के आर्ग्यूमेंट में हम यहाँ पे एक लिस्ट पास कर रहे हैं ए, जैसा हमने अभी थोड़ी देर पहले भी किया था वैसे ही कर रहे हैं, बी और ई। आपको याद ये रखना है जितने एलिमेंट्स हैं उतने ही यहाँ पे आप भरेंगे, और अब जब हम यहाँ पे एस को प्रिंट करेंगे तो आप देखेंगे कि अब की बार 0, 1, 2, 3 जो इंडेक्स आ रहे थे वो अब की बार ए बी सी डी ई हो गए, और अब अगर हमें इन्हें एक्सेस करना है तो हम लिखेंगे एस, और क्योंकि ये ए बी सी डी ई स्ट्रिंग वैल्यूज हैं तो इनको हम लोग स्ट्रिंग की तरह से एक्सेस करेंगे। ये ठीक वैसे ही हो गया जैसे हमने एक डिक्शनरी में की वैल्यू पाने के लिए की का नाम स्क्वायर ब्रैकेट में डाला जाता है, राइट। यहां तक तो कोई समस्या नहीं समझने में? अब अगर मान लीजिए हमारे पास एक डिक्शनरी है तो ये अगली हेडिंग है हमारी, अ डिक्शनरी टू सीरीज। हम डिक्शनरी को कैसे सीरीज में बदल सकते हैं? जैसे मान लीजिए हमने लिखा यहाँ पे प्लेयर इज इक्वल टू, अब प्लेयर की एक डिक्शनरी बनाए, जैसे हमने लिखा प्लेयर का नाम है सचिन, हमने कहा प्लेयर का स्पोर्ट्स है क्रिकेट, और मान लीजिए हमने लिखा प्लेयर की टीम है इंडिया, ऐसे करके मैंने यहाँ पे लिखा। अब अगर मैंने कहा एस इज इक्वल टू, देखिए फिर से पी डी डॉट सीरीज, आपको याद रखना है जब आप सीरीज लिखेंगे तो इसका एस कैपिटल होगा, डेटा फ्रेम लिखेंगे तो डी और एफ दोनों कैपिटल होगा, तो पी डी डॉट सीरीज और यहाँ पे मैंने प्लेयर लिख दिया, ओके। और अब एस को जब मैं प्रिंट करूंगा तो देखिए क्या होगा, तो जब एक डिक्शनरी को सीरीज में हम लोग बदलते हैं तो क्या होता है, जो कीज होती हैं, जैसे नेम एक की है तो वो इंडेक्स बन जाता है, और जो वैल्यूज होती हैं वो आपकी वैल्यूज रहती हैं, राइट, वो डेटा बन जाता है। तो आपको याद रखना है एक सीक्वेंस कि पी डी डॉट सीरीज, ठीक है, पी डी डॉट सीरीज, और यहाँ पे पहला डेटा होता है फिर इंडेक्स इज इक्वल टू होता है, ठीक है, जो भी आप इंडेक्स रखना चाहते हैं, और इस तरह करके बहुत सारे पैरामीटर्स होते हैं जैसे डी टाइप क्या है, ठीक है, और नेम क्या है, फूल क्या है। अब जैसे हम यहाँ पे ही एक काम और करते हैं, जैसे आपने देखा है यहाँ पे, तो यहाँ पे तो इंडेक्स हमें बताना नहीं पड़ा, ठीक है, बट लेट्स से कि हमें और चीज़ें चाहिए, तो इसमें जैसे हमने डेटा लिख दिया, डेटा टाइप तो वो अपने आप ही पता कर लेगा। हम लोग धीरे धीरे और भी सब आर्ग्यूमेंट्स की वैल्यू जो है
जानेंगे। यहाँ पे हम अपना इंडेक्स भी दे सकते हैं, बट क्योंकि हम लोग डिक्शनरी से बना रहे हैं इसलिए ज़रूरत नहीं है। और यहाँ पे देखिए आपने अपना इंडेक्स प्रोवाइड किया हुआ है, यहाँ तक की बात क्लियर है? ठीक है, यस सर। अब सीरीज में इतना हम लोगों ने डिस्कस किया है। अब छोटी छोटी चीजें जैसे मान लीजिए हम इस वाले सीरीज की बात करते हैं, इसका नाम हम S1 ले लेते हैं। ठीक है, जैसे इसका नाम S1 ले लिया, होल्ड कीजिएगा। तो हमने S1 नाम की डिक्शनरी एक सिंपली तैयार कर ली, ये आ गई। अब यहाँ पे मैं कुछ सिंपल सी चीजें आपको दिखाना चाहता हूँ। जब हम लोग एक सीरीज या एक डेटा फ्रेम बनाते पांडास के थ्रू, तो हम लोगों को बहुत सारे फंक्शंस जो हैं मिलते हैं वो अपने सीरीज के थ्रू। जैसे आपने पढ़ा था लिस्ट के साथ कौन कौन से फंक्शंस मिले थे हम लोगों को, मेथड्स जो लिस्ट के थे, लिखे थे ना आपने? लिस्ट इंडेक्स होती सर, रेंज अपेंड जैसे था, यस सर, अपेंड एक्सटेंड, अपेंड एक्सटेंड इंडेक्स इंसर्ट इंसर्ट, एग्जैक्टली। अब जैसे किसी मेथड में दो पैरामीटर्स लगते हैं, किसी में एक, किसी में ज्यादा, ठीक है? तो उसी तरह से अब जैसे मैंने लिख दिया S1.max, ओके, और ये एक मेथड है। तो देखिए क्या हुआ, इस पूरी लिस्ट की या इस पूरी सीरीज की जो मैक्सिमम वैल्यू है वो पता चल जाएगी। S1.min, समझ रहे हैं आप बात? यस, मिनिमम वैल्यू 44 आ जाएगी। S1.min, सो आप ये मेथड्स राइट डाउन कर सकते हैं कि कितना आसानी से हम लोग उस सीरीज में से मैक्सिमम मिनिमम ये सब पता कर सकते। इवन जो पाइथन के इनबिल्ट फंक्शन है, जैसे सम, पाइथन का इनबिल्ट फंक्शन है, बिल्ट इन फंक्शन है, तो मैंने कहा सम ऑफ S1, ठीक है, ये आ गया। तो जो सम, तो चाहे तो आप सीरीज के अपने मेथड्स का इस्तेमाल कीजिए या पाइथन के जो इनबिल्ट है, जैसे लेंथ, है ना, लेंथ ऑफ S1, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे लेंथ आ गई। ये सारी चीजें जो हैं हम लोगों को करनी, और इसको हम लोग और डिटेल में भी पढ़ेंगे। अच्छा, कुछ और ऐसे मेथड्स जो हम लोगों ने अभी तक नहीं पढ़े जो यहाँ पे काम करेंगे, देखिए S1.describe, ओके। अच्छा, ये जो मेथड्स मैं बता रहा हूँ, जैसे डिस्क्राइब खास कर, तो ये मेथड आपका डेटा फ्रेम पे भी चलेगा, ओके, ऑल्सो वर्क्स ऑन डेटा फ्रेम। सो डिस्क्राइब का मतलब क्या है? डिस्क्राइब का मतलब है जो ये पूरा डेटा सेट हमें दिया गया है, मार्क्स का डेटा सेट है यहाँ पे, तो ये जो पूरा डेटा सेट हम लोगों को दिया गया है, इस डेटा सेट को डिस्क्राइब करके बताइए। तो उसने पूरा डिस्क्राइब किया, स्टैटिस्टिकली उसको डिस्क्राइब किया कि यहाँ पे टोटल 5 वैल्यूज हैं, यानी 5 रोज हैं, इन सबका जो मीन है यानी एवरेज है वो 66.8 है, इनका स्टैंडर्ड डेविएशन 17 का है, मतलब ऑन एन एवरेज हर वैल्यू एक दूसरे से 17 के स्टैंडर्ड डेविएशन पे। अभी ये भी समझेंगे सब चीज, मिनिमम 44 है, इसे क्वार्टाइल बोलते हैं, तो फर्स्ट क्वार्टाइल, सेकेंड क्वार्टाइल, थर्ड क्वार्टाइल, तो ये जो क्वार्टाइल होते हैं ये क्या होते हैं, इसके बारे में भी हम लोग अच्छे से सीखेंगे आगे, व्हाट आर क्वार्टाइल्स एंड हाउ आर दे कैलकुलेटेड। फिर मैक्सिमम तो हम लोग को पता ही है। सो इस टाइप के देखिए छोटे छोटे मेथड्स हैं, और एक गूगल कोलैब पे क्योंकि हम काम कर रहे हैं, तो स्टूडेंट्स सभी के लिए एक छोटी सी ट्रिक है। आप देखिए यहाँ पे S1 डॉट लगाइए और थोड़ी देर छोड़ दीजिए, सारे आ जाएंगे सर। सो यहाँ पे देखिए आपको या तो कुछ प्रॉपर्टीज आ जाएंगी आपके सामने जो ब्लू कलर के क्यूबॉइड में है, और यहाँ पे देखिए जो क्यूब, ये क्यूबॉइड इस तरह से बने हुए हैं जो पर्पल कलर के हैं, ठीक है? सो इन इन पर्पल कलर के क्यूब्स में
आप देखेंगे कि ये सारे मेथड्स हैं, राइट, ऐसे एग्रीगेट, एनी, अपेंड, यहाँ पे भी देखिए अपेंड चलता है, राइट, अप्लाई, आर्गमैक्स, आर्गमिन, अब जैसे ये कह रहे हैं अपेंड चलता है, टू अपेंड ऐसे यहाँ पे लिखा हुआ, तो लेट्स अपेंड करते हैं हम। अब अपेंड के आगे देखिए ये बताएगा कि टू अपेंड एनी, हम टू अपेंड सीरीज और लिस्ट ऑफ सीरीज, ठीक है, कुछ इस तरह कर रहा है, कंकेटिनेट टू और मोर सीरीज, देखें तो हर एक मेथड की डेफिनेशन भी यहाँ पे लिखी हुई है। तो जैसे हमारे पास मान लीजिए दो सीरीज है, तो एक सीरीज में वो अपेंड करना है, हम यहाँ पे देखिए ट्राई करते हैं, लेट्स ट्राई, अपेंड करते हैं 45, तो कह रहे कि cannot concatenate integer, only series are valid, तो जैसे उसने लिखा था कि two or more series, तो हम लोग एक सीरीज को ही अपेंड कर सकते हैं, जैसे हमने कहा s, तो अपेंड s कर दिया, तो आप देखिए जो सचिन वाली सीरीज थी और ये वाली सीरीज दोनों आपस में अपेंड हो गई, आप समझ रहे बात, तो हम लोग ये मेथड्स भी धीरे धीरे पढ़ते रहेंगे अपने, तो अपेंड वाली नहीं समझ में, अपेंड अपेंड का मतलब हुआ एक वैल्यू नहीं अपेंड होएगी, एक और सीरीज इस सीरीज में अपेंड हो जाएगी, अपेंड का मतलब क्या होता है, एड टू एंड, ओके, अप्लाई ऑन एंड, है ना, एड टू एंड हो गया, तो हमारी ये सीरीज यहां तक थी पहली वाली, राइट, और दूसरी वाली सीरीज ये सचिन वाली थी, यस सर, तो हमने कहा एस वन डॉट अपेंड एस, यहाँ पे हमने जब इंटीजर दिया तो उसने एरर दिया, तो एक सीरीज है ना, तो एक सीरीज में एक सीरीज यहाँ पे अपेंड हो सकती है, तो इट्स लाइक कि अगर दो सीरीज आपको दी गई है और उन दोनों को ज्वाइन करके आपको एक बड़ी सीरीज बनानी है तो आप अपेंड का इस्तेमाल कर सकते हैं, इस तरह से छोटे छोटे मेथड्स हम लोग कोर्स के ड्यूरेशन में पढ़ते रहेंगे, ओके, यस, ये आज का जो नोटबुक है वो नोटबुक आप लोगों को अभी शेयर कर दिया जाएगा, और ये जो वीडियो है ये मैं भी ये वीडियो भी अपलोड कर दूंगा, इससे आप लोग एक रिवाइज कीजिए आज सीरीज का बेसिक, इतना पार्ट आप करिए, कल हम लोग डेटा फ्रेम्स शुरू करेंगे, और ये जो मेथड्स हैं बीच बीच में हम लोग अपने कोर्स के ड्यूरेशन में पढ़ते रहेंगे, ताकि हम लोगों का कोर्स जो मेन हम लोगों का फोकस है टुवर्ड्स एनालाइजिंग डेटा वो भी हम करते रहें, और साथ में इन मेथड्स के यूजेज भी हम पढ़ते रहें। एक और सिंपल सी चीज़ है, अभी देखिए एस वन जैसे मैंने यहाँ पे लिखा, ठीक है, तो एस वन इस तरह से, अगर मैं लिख दूँ एस वन डॉट प्लॉट काइंड इज इक्वल टू बार, ये मैंने कल अब्दुल्ला को बताया भी था, सो एस वन डॉट प्लॉट अगर आप लिखते हैं तो यू विल सी जो इंडेक्स है वो सारे यहाँ एक्स एक्सिस पे आ गए और उनकी जो वैल्यूज थी वो आराम से यहाँ पे आ गई, ठीक है, इस तरह से विजुलाइजेशन आसान हो गया, राइट, अभी यहाँ पे ए के कितने मार्क्स है, बी के, यहाँ से देख के अगर मैं पूछूँ सबसे ज्यादा मार्क्स किसके हैं, आपका जवाब क्या रहेगा, बी, सबसे कम मार्क्स किसके, ई के, राइट, तो इस तरह से विजुलाइजेशन थोड़ा सा आसान हो जाता है, इसी को बार की जगह पे अगर हम पाई लिख दें, ठीक है, पाई चार्ट में, हाँ, तभी तो एक सीरीज से आप आराम से पाई बना सकते हैं, अगेन ये पैरामीटर मैं आगे और भी अच्छे से बताऊंगा, बट वन पैरामीटर इज कॉल्ड ऑटो पी सी टी इज इक्वल टू, और ये ऐसे लिखा जाता है परसेंट पॉइंट टू एफ, यानी दो फ्लोट वैल्यूज का परसेंटेज हम बता रहे हैं, अभी देखिएगा आंसर से समझ में आएगा, सो यू कैन सी कि अगर ये सारे लोगों को ये सब मिला के 100% है तो ए के पास 23% है, बी के पास 26% है, समझ रहे हैं, yes, तो ये परसेंटेज आ गया हमारे पास, ठीक है, कि किसके पास कितने परसेंट है, अगर मान लीजिए सबके मिला के टोटल 100% होते हैं, तो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, तो ये सब छोटी छोटी चीज़ें अपने आने वाले चैप्टर्स में हम सीखेंगे, एंड कल का जो हम लोग का क्लास होएगा उसमें हम लोग
पांडास के आगे जो चैप्टर्स हैं अबाउट डेटा फ्रेम वो सीखेंगे। सर ऑफलाइन क्लास